पहाना में जेसीबी और ये जो जेसीबी है कुछ ही देर में चलने वाली है इन दुकानों के ऊपर। जी हाँ, आप सही तस्वीरें और लाइव तस्वीरें देख रही हैं टोहाना से। एरिया है यहाँ पर, कहा जा रहा है कि जो ये ज़मीन इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर आती है, लेकिन जो ये दुकानें बनाई गई थी ये नगर परिषद के द्वारा बनाई गई थी, और जो ये दुकानदार हैं ये इस दुकान का किराया नगर परिषद को दे रहे थे। अंदाज़ा लगा लीजिए, ज़मीन इरिगेशन डिपार्टमेंट की, लेकिन जो दुकानें हैं वो बना रखी हैं नगर परिषद ने, किराया भी नगर परिषद को। तो इनसे जानेंगे। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जो ये मामला चल रहा है अभी जैसे भी चलने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे? एकदम से नोटिस आया था क्या? नोटिस आया मैम, कल का टाइम है 29 तारीख का कोर्ट का, जो कोर्ट का फैसला होगा हमें मंजूर है, लेकिन आज इन्होंने एक दिन पहले ही आके एकदम दुकान घेरने का वो कर दिया। टाइम 29 तक का दिया? हाँ, कल की डेट है जी कल। और मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, जो प्रशासन के और बंदे हैं भाई, अगर कोर्ट का फैसला हमारी तरफ से आ गया मान लो, फिर उसका ये बना के दे देंगे दुकान द्वारा। अच्छा ये बताइए, आप इसका किराया पे करते थे? बिल्कुल करते हैं जी, हमने 29 साल हो गए। 29 साल? हाँ जी। किसके खाते में ये जाता था? ये नगर पालिका खाते में जाता था जी। नगर पालिका के? हाँ, लेकिन कह रहे हैं जमीन इरिगेशनमेंट की है। हाँ ये उनकी है, जमीन उनकी जी। अच्छा, तो अब आपको बस 1 घंटे का टाइम दिया गया है? हाँ 2 घंटे का टाइम दिया जी, लेकिन 2 घंटे तक अभी काम तो पेंडिंग रहेगा जी। तो ये देख सकते हैं कैसे अफरा तफरी मची हुई है एकदम से, लगातार जो जितने भी दुकानदार हैं काम करने वाले, और ये देख लीजिए अपना सामान किस तरीके से इसमें भर कर लेके जाएंगे। 2 घंटे का इनको टाइम दिया गया है, हालांकि इनको समय समय पर नोटिस भी दिया गया था, आज से 2 दिन पहले भी इनको नोटिस दिया गया था। ये सारी की सारी दुकानें ज़मीन इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, लेकिन बना रखी है नगर पालिका ने, किराया भी नगर पालिका को जाता है। तो ये देख सकते हैं एक जेसीबी यहाँ पर है, एक जेसीबी को वहाँ पर खड़ा किया गया है, किस तरीके से जो दुकानदार है वो अपना सामान लोड करके, अब देखना होगा कि कहाँ पर ये अपने सामान को रखते हैं, कैसे जो इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी यहाँ चला करती थी एकदम से आज वो बंद हो गई है, कहीं ना कहीं कोमा यहाँ पर लग गया है। अब देखते हैं ये कोमा कब हटेगा, क्या कुछ इनको गिराने का काम कब शुरू किया जाएगा। और इनका कहना भी है कि अगर दुकानदारों के पक्ष में इसका जो कोर्ट का फैसला आ जाता है, तो क्या जो जेसीबी द्वारा जितनी भी दुकानें गिराई गई थी दोबारा से खड़ी हो पाएंगी। तो बने रहिएगा टीबीएन न्यूज़ के साथ। यूपी में आप लगातार ऐसी तस्वीरें देख रहे थे, दिल्ली में लगातार आप ऐसी तस्वीरें देख रहे थे, अब टोहाना में भी जेसीबी बुलडोज़र जो मामला चला हुआ है, अब टोहाना में भी वो टूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देख लीजिए किस तरीके से बेचारे जितने भी दुकानदार हैं लगातार अपने छोटे छोटे हर एक सामान को अपने ट्रालियों में अपनी रेहड़ियों में भरते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन के भी लोग आए हुए हैं, सभी से हमने जाना यहाँ से, और आपको 2-3 लोगों की बाइट भी आपको दिखाई जाएगी, वो किस तरीके से अपना दुख बयान कर रहे हैं। तो देख लीजिए ये टोहाना से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए किस तरीके से जेसीबी को स्टार्ट किया गया है, और ये दुकानों पर इसका शिकंजा चलने वाला है। तो बने रहिएगा टीबीएन न्यूज़ के साथ, मैं मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम। अच्छा तो ये कब नोटिस आया था आपको? नोटिस परसों आया था मेरे। अच्छा अच्छा, तो अब उठा रहे हैं आप, क्या कहेंगे? अब तो सर ऐसे अभी ये आगे कोर्स वगैरह लेके सब हमारे को 2 घंटे का टाइम दिया, हम तो कह रहे थे अगर 1 घंटे का टाइम दे देते तो हम अपना सामान शिफ्ट कर देंगे, तो इन्होंने टाइम दिया नहीं हमारे को, फिर अभी एकदम से हमारे को लेके जाना। आपने मांगा 2 दिन का टाइम? हाँ बोला इनको, वो माने नहीं इस चीज़ के लिए, कहने लगा कि 2 घंटे का टाइम है निकालो अपना सामान, एकदम से तोड़ देंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? बस अभी हम सामान अपना लेके जा रहे हैं सर। SDO इरीगेशन टोहाना, ये मेरी जुडिक्शन में आता एरिया, काफ़ी दिनों से इस पर नजायज़ कब्जा था, कोर्ट से स्टे हट चुका है इसलिए इसको तुड़वा रहे हैं। नजायज़ कब्जा हटवाया जा रहा है। कितनी दुकानें हैं? ये 6-7 दुकानें हैं जो हैं आपके सामने। कितने सालों से ऐसे नहीं है? कई सालों से है। एकदम से कार्रवाई सर? एकदम से नहीं है, काफ़ी सालों से कार्रवाई चल रही है, काफ़ी नोटिस कई सालों से इशू हो रहे हैं इनको। तो जैसे सर दुकानदारों ने बताया कि हमें इसका किराया भी, की जमीन ये जमीन इरिगेशन की है सर, वो किराया फिर उनको क्यों जा रहा था, उनके पास पक्की? वो तो नगर परिषद जाने ये जाने, हमने तो नगर परिषद को कभी दी नहीं है जमीन। हाँ शांति प्रिय तरीके से खाली हो रही है। अब इनको कितने, इन्होंने 1 घंटे का टाइम मांगा था, 1 घंटे के लिए हम बैठे हैं। दुकान खाली होने के बाद हाँ फिर इसको क्लियर किया जाएगा। पार्टी आपने नगर परिषद को, दुकानदारों को भी बनाया था, नगर परिषद भी इसमें पार्टी है।